हटाओ, बच्चे बचाओ, कुत्ते हटाओ, बच्चे बचाओ, कुत्ते हटाओ, इंसान बचाओ। कॉर्पोरेशन कमिश्नर मुर्दाबाद, कॉर्पोरेशन कमिश्नर मुर्दाबाद, कॉर्पोरेशन कमिश्नर मुर्दाबाद, कॉर्पोरेशन कमिश्नर मुर्दाबाद, कुत्ते हटाओ, बच्चे बचाओ, कुत्ते हटाओ, बच्चे बचाओ। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बैठो बैठो, आकर हमको जो है ना आश्वासन देना, एक से दो दिन में, पहले दो बच्चों को दो दिन में जो है ना उनको प्रमोशन देना। कोई प्यार को नहीं देते हमें, कौन है जादव साहब है ना इंचार्ज, इंसान की जान अहमियत है। आपके चैम्बर में एक ऑफिसर को मारे गए, पूरा कॉर्पोरेशन आकर स्ट्राइक करा, इंसान को मारे, एक ऑफिसर को मारे, बोलकर जो है ना उसको ऊपर जो है पब्लिक के वास्ते है, और आप यहाँ पे ठंडा भैंसे में बैठे हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी है नहीं है आपके, आप हेल्थ ऑफिसर है, आप क्या जिम्मेदारी कर रहे हैं? आप एक घंटे से पुकार रहे थे बैठे, एहसास है आपको है क्या नहीं है? साहब बोला आप तो क्यों नहीं है? आप ऐसा मतलब मुर्दाबाद बोल रहे, क्यों नहीं आया वहाँ पे? बच्चे मेरे बच्चे, हाँ मेरे बच्चे, आपके आपके बच्चे हैं क्या नहीं, ये बोलो मेरे को। हाँ क्या कर रहे हैं आप वहाँ पे, क्या कर रहे हैं आप, आपकी जिम्मेदारी से क्यों हट रहे हैं आप बुलाइए, मेयर को बुलाओ, सबको बुलाओ यहाँ पे, कब टी वी मीटिंग ले रहे, कब कुत्तों का काटे को कम्पेंसेशन दे रहे, उनको बुलाओ हमारे को, मासूम बच्चों को पूरा गुलबर्ग शहर पूरा परेशान है, आप लोगों को थोड़ा भी एहसास नहीं उसका, क्या कर रहे हैं आप, है एहसास आपको? हाँ है तो क्या कर रहे फिर आप, क्या एक्शन लिया आप, बेवकूफ है हमें पुकार लेते बैठे, तो काम धंधा नहीं है हमारे को, आप ऑफिसर ऑफिस तो आपको काम है, क्या जिम्मेदारी कर रहे मेरे को, आप जवाब होना चाहो, क्या कर रहे हैं? कितने सालों से कर रहे हैं? सीरियल वाइज 30-40 बच्चों को इससे पहले काटा था, 20,000 रुपए कंपनसेशन दिया आप लोगों, जब भी आकर यहाँ पे ये चैम्बर में जो है ना ये करा तो मैं जो है ना 20,000 रुपए दिए बच्चों को। हाँ क्या खाली कंपनसेशन लेने के बच्चे हमारे औलाद का? हाँ कंपनसेशन लेने के वास्ते बैठे हमें, बेरहमी से जो है ना मिसकी मिल पे जो है ना 4 बार कुत्ते काटे, 2 महीने से चले हुआ सिलसिला, बेरहमी से ऐसा कुत्ता काटे जो है ना पूरा उसको जो है ना गोलियां मारे जैसा जो है ना फट गया पूरा उसको, मालूम है? आप जरा भी उसका एहसास नहीं कर रहे आप, अरे साहब जरा तो इंसानियत रखिए आप, जरा क्या करें आप, जरा आप हेल्थ ऑफिसर, आपकी जिम्मेदारी हो बच्चे को काटा, आप जाकर उससे मिले, आप उसका इलाज करें। कमिश्नर कहाँ है? कमिश्नर क्या डायरेक्शन दिया? तो कमिश्नर यहाँ से कहते क्या, उन्हें डायरेक्शन नहीं देते? बच्चों को काटा, वो बच्चा जो होना वो इलाज करा सकती नहीं करा सकती, उसकी माँ आपको है गारंटी उसकी, अगर इलाज नहीं कर सकी बच्चा मर गया तो कौन जिम्मेदार है उसका, कौन जिम्मेदार है? हम पुकारने वाले क्या बेवकूफ है? हमारा काम धंधा नहीं है, हम आवाम का दर्द रखकर आ रहे, तो आपको जब जवाब दिया गया है तो आपकी जिम्मेदारी है, आप वो निभाना, नहीं कर सकते तो कुर्सी खाली कर रहा, क्यों तकलीफ दे रहे लोगों को, किस लिए आपको तनख्वाह दे रही गवर्नमेंट? बोले पागल कुत्ते हो, कीड़े लगे तो भी नहीं छोड़ रहे, उनको नहीं पकड़ रहे, कीड़े लग के फिर सर अभी एहसास नहीं है आप लोगों को, एक घंटे से बैठे हेल्थ ऑफिसर मुर्दाबाद बोल रहे हैं, कमिश्नर बोल रहे हैं, आने को तैयार नहीं है वहाँ पे, कहा है मेयर, कहा है? हाँ बोलो सर, कब जो है ना मीटिंग ले रहे, कब जो है ना हमारे को ये डिसीजन देते हमारे को, आज उसका ये होना कमेंटमेंट क्या दिए सर डायरेक्शन, अगर फेस उसमें देना, अगर मीडिया के सामने देना, मालूम होना लोगों को पब्लिक को, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या जिम्मेदारी कर रहे हैं, मालूम होना ना। मैंने ऑब्जर्वेशन बनाया सर,
यादव साहब, 2 से 3 दिन में सीरियस एक्शन होना सर, अगर नहीं होगा तो हम आपके सामने खुला तौर पर बोलकर जा रहे हैं, पूरे चैम्बरों को लॉक कर दूंगा। लीगली जो है ना, आप हमारे ऊपर क्या कर सकते करो, हम क्या करना है आपके ऊपर करते। अगर आप लीगली तौर पर जाना नहीं कर सकते तो हम गुंडागर्दी से करते। अगर हमारे बच्चों को बचाने के वास्ते हमको गुंडागर्दी करना पड़ रहा तो हम गुंडागर्दी करते हैं। हमारे बच्चों को तकलीफ हुई तो हम बराबर करेंगे, ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं करेंगे सर। हम देख कर चुप बैठने वाले नहीं है सर। हम ज्यादा पागल कुत्ते हैं, वो जानवर को कतर रहा तो जानवर मर रहा। गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रहे साहब? अब हमको गवर्नमेंट क्या कर रहे साहब? दो दो लेबर छुट्टी करके पूरा डे नाइट 24/7 उसके पीछे सर। नहीं साहब, कानून क्या बोल रहा है, खाली एक ही चीज को कानून को पकड़ कर बैठ रहे हैं कि कुत्ते को नहीं मारना है। कानून ये भी है, इंसान को अगर इंसान अगर आकर मार रहा है तो उन बचाने के लिए इंसान को खतर कर सकता है। कानून इजाजत दे रहा है इस बात का, तो मेरे को कुत्ता काटने आ रहा है तो मैं कुत्ते को मार सकता हूँ, मैं कुत्तों को मारूंगा, मेरे ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। एक कॉर्पोरेशन की भी जिम्मेदारी है, ये पागल कुत्ते हुए हैं इनको मार सकते, इन्हें आर्डर लाना कोर्ट से लाकर इन्हें कुत्तों को खत्म करना, इन्हें हर चीज पर ड्यूटी कर सकते हैं, हर चीज का कानून बता सकते हैं, तो ये भी बताना। आपके एक ऑफिसर को जो है ना अगर मारे यहाँ पे तो पूरा कॉर्पोरेशन आपका आकर ठहर कर वहां पे स्ट्राइक कर रहा। आपको टाइम ऑफिसर का दर्द है आपको, हमारे बच्चों को कुत्ते जो है ना बेरहमी से काट रहे, ना चापा से फाड़े जैसा जो है ना फाड़ दे उनको, उनका एहसास नहीं है आप लोगों को। कल के दिन सीरियस नहीं होगा, अभी ओवर सीरियस है ये। नहीं ओवर हो गया सर, मैं आगे आने वाले दिन में और इससे जो है ना खतरनाक एहतजाज दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, आज मेरे कंट्रोल में है बच्चे, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। आने वाले दिन में कंट्रोल वाले बच्चे नहीं रहेंगे हमारे साथ। 24/7 2-3 दिन 4 दिन या 8 दिन जब तक खत्म नहीं होते, जब तक पूरा साफ सफाई नहीं होता तब तक हम ये लेबर ये मत 24/7 क्या उनका पेमेंट अगर एक्स्ट्रा भी करो 4 दिन का 8 दिन और रीजन ही मत बोलो सर। यादव सर से बात करें नीचे, उनका ये बोलना है हर एरिया से 15 कुत्तों को पकड़ कर उनकी नसबंदी करके वापस लाके छोड़ देना, ये सलूशन है। नहीं हमको बात ही नहीं करना वासिम उस बात पे, हमको कुत्ते खत्म करना है खत्म। वो नसबंदी करके उनके घर में ले जाकर रख लेते कि नहीं, हमको कुत्ते दिखना नहीं शहर में। कुत्ते मारेंगे लाखों हम कॉर्पोरेशन में देखेंगे, उसका कोई जिम्मेदार होगा तो हम कॉर्पोरेशन में आकर ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं। अगर कॉर्पोरेशन में अगर कहीं भी कुत्ते काटेंगे तो हम लाकर मार कर यहाँ पर फेंकेंगे, उसका जिम्मेदार कॉर्पोरेशन कमिश्नर होगा, पूरी कॉर्पोरेशन होंगी, पूरी जिला इंतजामिया होंगी, हम नहीं होंगे इसका। हमारे ऊपर कोई लीगली जो है ना एक्शन नहीं ले सकता, अगर लेंगे तो हम शहर भर में जो है ना एहतजाज करेंगे। आज हमको पब्लिक को जो है ना आने का मकसद ये था हमारा कि हमारे को कुत्तों का ख्याल का जो है ना एक्शन लेना है लेना। हाँ बोले सर, कमिश्नर के ऊपर ढकर रहे, कभी जनरल बॉडी मीटिंग के वास्ते जा रहे, कभी जो है ना जीपी मीटिंग बोलकर जा रहे, और हाल इनका क्या ना क्या बहाना जा रहा है। वो यहाँ से जो कैप्टन साहब है वो तलवार से काटते ना सर, वैसा कटा बच्चे। आज कॉर्पोरेशन कमिश्नर को रोजा वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से एक मेमोरेंडम और याददाश्त पेश की गई। कॉर्पोरेशन कमिश्नर गुलबर्गा यहाँ पे कॉर्पोरेशन ऑफिस को आने पर कॉर्पोरेशन ऑफिसर कमिश्नर नहीं है बोलकर बोले, तो यहाँ पे आरपी यादव साहब को और यहाँ के जिम्मेदारों को जो चार्ज लिए सो हैं उनको याददाश्त देने के बाद ये बताया गया है कि शहर भर में हर गली हर मोहल्ले में हर घर के सामने जो है ना कुत्ते इतने भर गए हैं, वो भी पागल कुत्ते हैं। वो गुलबर्ग में एक ऐसा माहौल दहशत का चले हुआ है, हाँ वो गुंडा राज खत्म हुआ बोले तो कुत्तों का राज चालू हुआ है। शहर भर में जो है ना कुत्तों का इतना ये हो गया है कि लोग बच्चे स्कूल को भेजना वो तो डर खौफ में है, बच्चों को खेलने बाहर भेजना बोले तो डर खौफ में है। हाँ अब 2 महीने से जो है ना इतना बेरहमी से कुत्ते काट रहे हैं, तो कॉर्पोरेशन थोड़ा भी इसके ऊपर सीरियस नहीं ले रही इसके ऊपर। हाँ इससे पहले भी आकर जो है ना मैं बोलकर गया फिर भी लेट लिए, 2-3 साल पहले भी जो है ना बच्चों को जो है ना कुत्ते काटे सीरियल 33 बच्चों को एक साथ काटे एक ही दिन में, उसको 20,000 रुपये कंपनसेशन दिया गया।
कल जो है ना एमएसके में वाले बच्चों को कुत्ता काटा गया, तलवार से काटे जैसा जो है ना उतना भयानक जो है ना फट गया है। हाँ, उसका कंपनसेशन देने की बात नहीं करते, उसको हेल्थ ऑफिसर या कमिश्नर कोई जाकर उसे मिलता नहीं। अगर उसके माँ बाप को जो है ना उसका इलाज नहीं कर सकते, उसके पास ताकत नहीं है, तो बच्चा मर जाएगा। हिंदुस्तान भर में जो है ना एक बच्चा जो है ना छोटा बच्चा जो कुत्ता काटा, उन घर में नहीं बता सकने की वजह से बच्चे की जान गई, पूरा हिंदुस्तान रोया हुआ बच्चे को देख कर। क्या हम हमारे बच्चों को जो है ना जान जाने के बाद जो है ना क्या रोते बैठेंगे? एक ऑफिसर को जो है ना गुलो गुल एक कोई एक आदमी आकर जो है ना कॉर्पोरेशन कमिश्नर के एक इसके जादव साहब के ऑफिस में एक चैम्बर में जो है ना एक आदमी को कॉर्पोरेशन के एक हाथ मारकर जाता है तो हाँ पूरा कॉर्पोरेशन एहतजाज करता है। यहाँ पे शहर भर में जिसकी जिम्मेदारी कॉर्पोरेशन कमिश्नर से लेके कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है, एक कुत्ता नहीं हटा सक रहे, उनके नसबंदी करके लाते मुल्क बोल रहे। मैं शहर भर के जो है ना गुलबर्ग की आवाम को जो है ना ये बताना चाहता हूँ कि इंसान को इंसान अगर मारता है, मारने आता है, उसकी जान को खतरा है, उसकी जान जाने वाली है, तो सामने वाले की जान ले सकता है, ये कानून में है। ये अगर हमको कोई पागल कुत्ता काटने आ रहा है तो उसको मारना खत्म करना गैर कानूनी नहीं है, आप मार सकते हैं। शहर भर में बोल रहा हूं मैं, लगाओ जहर लिखा कर डालो उनको, मारो उनको जो पागल कुत्ते हैं, मार कर खत्म करके लिखा दो, कॉर्पोरेशन में फेंको। अगर कॉर्पोरेशन में फेंकने की हिम्मत नहीं है तो घर के पास फेंको उसको, बच्चों को जो है ना कुत्तों को मार कर छोड़ दो, खत्म कर दो। हमारे बच्चों की जान से जो है ना बढ़कर नहीं है वो। जब हमारे कोई कानून बताने आएगा जो करने आएगा, जब हम उससे बात करेंगे, अगर किसी के पास दम नहीं है तो मैं आऊंगा उसके ऊपर, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं आकर ठहरूंगा, मैं मेरे आंख पे केस लूंगा। मैं डरने की जरूरत नहीं है गुलबर्ग की आवाम, गुलबर्ग की आवाम को डरने की जरूरत नहीं है। हम कब तक डॉक्टर को जो है ना हमारे बच्चों को जो है ना जान के जो है ना कुर्बानी देना पड़ेगा? जो पूरा कॉर्पोरेशन जो है ना एमएलए मैडम बोले, उनको एमपी बोला, एमएलए बोला, हाँ हर कॉर्पोरेटर बोल रहा, हर कोई बोलने के बावजूद भी जो है ना उनके ऊपर जू नहीं रेंगरी बोले तो क्या इनको मार कर बोलना है, क्या इनको डरा कर बोलना? मैं गुलबर्ग के आवाम से जो है ना अपील करता हूँ, और ये भी और जो बच्चों को जो काटा है 4 से 5 बच्चों को, इंशाल्लाह उनको ज्यादा से ज्यादा एमएलए मैडम आने के बाद यहाँ पे कॉर्पोरेशन आकर मैं उनको कंपनसेशन दिलाऊंगा। इंशाल्लाह अच्छे बड़ा से बड़ा जो है ना उनको कंपनसेशन दिलाऊंगा, मैं उनसे कॉन्टेक्ट करूंगा, कंपनसेशन दिलाऊंगा, इंशाल्लाह दिले तक छोड़ूंगा भी नहीं। और ये जो जो है ना जो आज एहतजाज हुआ है, इंशाल्लाह ये कुत्तों के पूरे गुलबर्ग शहर भर के गुलबर्ग के कुत्ते जब तक पूरे खत्म नहीं होंगे, इंशाल्लाह वो खात्मा जब तक नहीं होगा, इंशाल्लाह मैं इसको जद्दोजहद करूंगा और मुकम्मल हो तक जो है ना इंशाल्लाह छोड़ूंगा ना।